केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां पहुंचे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। कैलाश चौधरी यहां पहुंचे हैं, वह यहां घायलों से मुलाकात करेंगे। हम उनसे बात करते हैं कि सर ये हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है, ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आज हमारे बीच में नहीं रहे उनको भगवान आत्मा को उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे। और मैं निरंतर प्रशासन के संपर्क में हूँ और मैं स्वयं सुबह रात को दिल्ली से रवाना होके सुबह जोधपुर में जहाँ एडमिट है कई जो घायल हैं तो वहाँ पे भी गया, उनको भी देख के आया हूँ और अभी नाहटा हॉस्पिटल के अंदर भी जो घायल हैं उनसे मैं मिलूँगा। सर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है, बहुत बड़ा ऐसा हादसा मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। और क्योंकि यहाँ पर जो कैजुअलिटी है वो सभी के मेरे घर के एकदम पास में है, ये घटना हुई है तो लगभग सभी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके परिजन हैं तो मुझे स्वयं मैं अपने आप को इतना महसूस कर रहा हूँ वास्तव में जैसे मेरे खुद के घर में ये घटना हो गई है। तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ वहाँ, अभी पहले मिलूँगा सभी, मिलने के बाद में फिर जितना भी होगा सरकार की तरफ से। मैंने रात को मुख्यमंत्री जी से बात की है, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी से बात की है और बिल्कुल ऐसा है कि केंद्र सरकार से जो प्रावधान होगा तो उससे भी करवाएंगे और राजस्थान सरकार की तरफ से भी कल ही मैंने मुख्यमंत्री जी से तुरंत ही उसी समय बात कर ली थी और उसके बाद में उन्होंने घोषणा भी कर दी है 5 लाख की। और भी प्रयास करेंगे कि इस समय इस दुख की घड़ी में जितना भी सरकार की तरफ से सहयोग हो उसका प्रयास करके करवाएंगे। ऐसा है कि प्रशासन की लापरवाही के अंदर अब क्या कह सकते हैं, वो तो एकदम ऐसे घटना हो गई तो उसके बाद में अभी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जितना भी उपचार हो रहा किया जा रहा है और आगे भी यहाँ पर जैसा है तो उसके अगर उसको देखेंगे, लेकिन अभी इस समय उनके दुख की घड़ी में अपन साथ रहकर उनकी कितनी सहायता कर सकें वो विषय बाकी बाद का विषय बाद में। कैलाश जी एक बड़ा सवाल, जो भागवत कथा करते हैं वो अपना तामझाम खुद लेकर चलते हैं, प्रशासन से अनुमति नहीं, सिर्फ स्कूल प्रशासन से अनुमति ली, प्रशासन से नहीं ली, लापरवाही कहीं कहीं तो मानते हैं आप इस चीज़ की? ऐसा है कि अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जांच का विषय है, जब भी बाद में होगा। कोई ये जानबूझकर नहीं करता कि ऐसी घटना हो, नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई अगर होगी तो उसके विषय पर जांच कराएंगे, सरकार से बात करेंगे। तो यह थे कैलाश चौधरी जिनका ये कहना है कि चाहे कहीं भी लापरवाही रही होगी उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे और वे अस्पताल में जा रहे हैं जो वो घायलों से मुलाकात करेंगे और घायलों से मुलाकात कर जो अस्पताल की ओर प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है उससे उनसे जानकारी लेंगे। जी चांदनी, बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैलाश चौधरी पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि जो भी लापरवाही बरती गई है यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये जांच का विषय है। लेकिन शिवप्रकाश, सवाल ये खड़े होते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से इस पूरे हादसे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से यह हादसा हुआ है, तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई है तो क्या इससे निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा तो कभी भी हो सकता है? जी चांदनी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही जरूर रही है, लेकिन फिलहाल कैलाश चौधरी का कहना है कि जो भी मृतक हैं वो सब उनके नजदीक ही थे क्योंकि ये घटना उनके घर के काफी नजदीक हुई है। तो अभी उनकी प्राथमिकता है जो घायलों को इलाज मिले उनकी है, उनकी प्राथमिकता है, साथ ही जो मृतक है उनके परिवारों को वह संबल प्रदान करे इसी का उनका प्रयास है। इसलिए वो उनका ये सब जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही सारा कुछ आखिर कहाँ गलती रही है। बिल्कुल शिवप्रकाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैलाश चौधरी जो है वो घायलों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो सीएम अशोक गहलोत कब तक पहुंचेंगे वहाँ? जी चांदनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ लगभग 9 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, तो हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जो हेलीपोर्ट जसोल में ही है